सभी के और आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है जिसको सुन के आप हो जाएंगे हक्के पक्के, क्योंकि है ही ऐसी कुछ न्यूज। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको किसी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी ऐप के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, तो एक बार कमेंट करके बताइए। उसके ऊपर हम डेडिकेटेड और बिल्कुल उसके ऊपर निचोड़ करके पूरी तरह से उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आइए चलते आज की पहली टेक न्यूज की तरफ। आज की शाम BSNL वालों के नाम मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि BSNL वालों ने सरकार से 5G स्पेक्ट्रम है उसकी मांग कर दी है। ये 3.5 GHz के ऊपर और 70 MHz के ऊपर बेस्ड है, और इससे सीधा सीधा सा एक मतलब निकल गया रहा है कि 2022 में नहीं 2023 के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली ये देखने को मिल सकता है 5G। कुछ एरियो के अंदर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक एरिया होंगे जिनके अंदर BSNL का 5G आएगा। Yes, आप सही सुन रहे हो, पहले बताने वाले हम हैं, तो सब लाइक कर दीजिए। बाकी अभी तक हमारे एरिया के अंदर 3G चल रहा है, 4G भी नहीं आया है। 4G के अंदर ये स्ट्रगल कर रहे हैं और 5G के इन्होंने बैंस मांग लिए हैं, तो क्या करके मानेंगे? तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया के अंदर BSNL की स्पीड क्या है, 4G 3G, और उसके अंदर जो स्पीड आती है वो कितनी आती है, बताइए एक बार कमेंट करके। Xiaomi इंडिया की तरफ से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आई आज, क्योंकि जो 7 साल से उसके जनरल मैनेजर थे अपने मनु कुमार जैन जी, तो उन्होंने आज क्विट कर दिया है। वो केवल इंडिया के जो जनरल मैनेजर है उसकी पोस्ट के ऊपर से क्विट किया है। ग्लोबली वो कुछ बड़ी पोस्ट के ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सर गर्व से ऊंचा हुआ है क्योंकि और ऊंची पोस्ट के ऊपर जाएंगे, तो उनकी जगह लेने के लिए आए इंडिया के अंदर एल्विन टेस। तो ये कुछ नाम है जो कि पोको के को फाउंडर हैं, और इस ये इंडिया के इंडोनेशिया के अंदर जो जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालते थे, अब इंडिया के अंदर आने वाले हैं ये। और भाई साहब अनु शर्मा जी इसके जो प्रीवियस कंट्री डायरेक्टर थे पोको के, तो वो भी अब इसको संभालेंगे इंडिया के अंदर। तो ये कुछ न्यूज़ निकल गई। यस, तो मनु कुमार जैन जी ने इंडिया के अंदर ट्वीट कर दिया है फिलहाल के लिए, और मे बी फ्यूचर के अंदर हमें बड़ी हस्ती के रूप में दिखाई दें Xiaomi के अंदर। तो बताइए एक बार कमेंट करके कि ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा। थोड़ा सा दुख तो है, बाकी संभाल पाएंगे, किस तरह संभालेंगे इंडिया के अंदर ये मिलकर, तो ये तो कुछ समय के बाद पता चलेगा जब आगे के डिसीजन आएंगे। तो बताइए एक बार कमेंट करके, और चलते हैं अगली न्यूज़। यूके के अंदर इंजीनियर्स की एक टीम ने एक ऐसी स्किन बनाई जो कि पेन को महसूस करती है। यस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्किन है, और ये स्पेशली बताया जा रहा है कि आगे जो अलग जनरेशन की नेक्स्ट जनरेशन के रोबोट आएंगे उसके अंदर होगी, और वो पेन को महसूस कर पाएगी। और जो ये टीम है इसके अंदर एक इंडियन भी है, तो प्राउड होता है उस इंडियन भाई के ऊपर। तो यस, तो इसके अंदर जो आगे जाके आएंगे ना इस जनरेशन के, तो उसके अंदर भागीदारी एक इंडियन की भी होगी। बाकी ये जो दिखाया जा रहा है कि ये पेन को देखेगी, मतलब कि महसूस करेगी, तो ये कुछ देख कर ऐसा लग रहा है कि टर्मिनेटर वाली फीलिंग आ रही है। यस, जो टर्मिनेटर फिल्म ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों लगभग सभी ने देखी होगी, तो भाई सब सेम टू सेम वही फीलिंग आ रही है। बाकी आगे जाकर और भी आएगी सेम टू सेम ह्यूमन बॉडी के टाइप में आएगी, मतलब कि जो सेम टू सेम काम करेगी, और आज के AI वो लोगों को देखकर सीख रहे हैं, और मे भी फ्यूचर के अंदर है हमें टर्मिनेट कर दे, तो कुछ हो सकता है आगे जाकर ये लगता है। बाकी एक बार कमेंट करके बताइए जो ये टेक्नोलॉजी है आगे जाके क्या कुछ काम आएगी, बताइए एक बार कमेंट करके। और चलते अगली न्यूज़ की तरफ। और अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है यूनिसॉक की तरफ से, यूनिसॉक के जो प्रोसेसर हैं वो अभी मार्केट के अंदर नए नए आए हैं, T610 और T7 सीरीज इसके हमें देखने को मिले अभी तक। ये 4G सीरीज अभी तक इंडिया के अंदर आए, बाकी ज़्यादा प्रोसेसर नहीं आए हैं। तो कुछ लोगों ने इनके जो प्रोसेसर हैं 4G प्रोसेसर हैं इसके अंदर मॉडर्न के अंदर कुछ ऐसा बग देख के निकाला है कि उससे हैकर्स आपके फ़ोन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल ही ठप कर सकते हैं। यस, और उन लोगों ने यूनिसॉक को भी बता दिया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, उन लोगों को बताया भी है कि आपने ये चीज़ें बताई। बाकी यूनिसॉक ने ये भी कहा है कि हम इसके ऊपर सुधार करेंगे, मे बी हमें फ्यूचर के अंदर जिन फोन्स के अंदर यूनिसॉक का प्रोसेसर है उसके ऊपर एक अपडेट देखने को मिल जाए ताकि आपका फ़ोन थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। तो कुछ ये न्यूज़ निकल गई है कि आपका फ़ोन अब हैकर्स के टारगेट के ऊपर है। बाकी नई कंपनियों के पास साथ थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और भुगतना अपने जैसे को पड़ता है।
तो कुछ ये न्यूज निकल के एक बार कमेंट करके बताइए आपके फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर, यूनिसॉक का, मीडिया टेक का, या फिर आप स्नैपड्रैगन को यूज करते हैं जो कि मार्केट में लीड करता है, तो बताइए एक बार कमेंट करके। वन प्लस क्या खत्म होते जा रहा है? तो कुछ ऐसा ही बाहर निकल के आ रही है कुछ चीजें, क्योंकि वन प्लस अब ओप्पो का A57 जो ग्लोबली गया था उसको रीब्रांड करके इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है फिर से। यस, तो वन प्लस वाले भी आ चुके हैं रीब्रांड करके चेपने के अंदर, और हमें जल्दी ये देखने को मिलेगा अंडर 50,000 का होगा, और बाकी यह किस नाम से होगा, लाइट वन या फिर कोई नया नंबर सीरीज निकाल दें, तो ये तो जब आएगा तब बता देंगे, बाकी अभी कुछ ये न्यूज़ निकल के आई है। तो वन प्लस वाले अब ख़त्म होते जा रहे हैं, ये सच्ची बात है, आप एक बार कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए। अपने इंडिया की एक ऐसी चीज़ जो कि पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा चुकी है, UPI सिस्टम। तो भाई साहब UPI सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेमेंट सिस्टम बन चुका है, और उसी के साथ साथ ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2026 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन होंगी वो UPI से होंगी। 65% तक हमें इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब कि मार्केट कैप इसका बताया जा रहा है कि 10 ट्रिलियन से ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं ना उसकी GDP से भी ज़्यादा इसकी ऊपर ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, मतलब कि 65% इसकी ग्रोथ होगी, मतलब कि ज़्यादा इसे यूज किया जाएगा, और इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी होंगी 2026 तक, और बहुत सारे देश हमसे मांग भी रहे हैं UPI सिस्टम। तो भाई साहब प्राउड फील हो रहा है क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जो पेमेंट सिस्टम है वो बना दिया है, और बिना कोई फीस के, आगे जाके फीस आएगी 100% आएगी, बाकी अभी के लिए फ्री है। और एक बार कमेंट करके बताइए आप कौन सी UPI सिस्टम को यूज़ करते हैं, मतलब कि कौन सी आपको यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, या फिर कोई और अमेजोन पे, कुछ भी हो एक बार कमेंट करके बताइए। तो न्यूज़ को करते हैं एक बार ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो आई पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।